जेफरीज पे पेटीएम ने कहा है 1050 तक जाएगा, वो मेंटेन बाय रखते हैं इस पे। कपिल एक बार आपके रिकमेंडेशन, पेटीएम 1050 हो जाएगा, आपका कन्विक्शन लेवल ये अलाउ करता है? जेफरीज तो कह रहा है हाँ जाएगा। बेसिकली उसने थोड़े टाइम पहले एक करेक्शन दिया था और करेक्शन से स्टॉक उभर रहा है, और जो उसके पहले के काफी दिनों का एक गैप डाउन एरिया था वो काफी हद तक वो फिल भी हो गया, और जो उसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज थी तो उसके ऊपर हमें सस्टेनेबिलिटी देखने मिल सकती है। स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, स्ट्रक्चरली चेंज नहीं है, लेकिन मोमेंटम हमें एक ऊपर की साइड का देखने मिल सकते हैं। तो ऊपर में पहला उसका जो पड़ा हुआ था या रेजिस्टेंस आता है वो 825 के यहाँ पे आता है, उसके बाद में 860 तक आता है, वहां पे फिर से वो सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से हमें ऊपर का एक मूव देखने मिल सकता है। IDFC फर्स्ट के भी नंबर आए हुए हैं, IDFC फर्स्ट के नंबर काफ़ी ठीक बताए जा रहे हैं और उन्होंने सुधार भी किया। आपको पता है ये मैनेजमेंट ने एक बार खुले मन से डिस्क्लोज़ किया था कि हमारे नंबर्स ख़राब नहीं होंगे, उस दिन के बाद से IDFC फर्स्ट लगातार अच्छा चल रहा है। किरण एक बार आपके रिकमेंडेशन, IDFC फर्स्ट खुलते प्लस करूँ क्या? IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह का हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। 87-80 के आसपास की क्लोजिंग थी, 89 के आसपास कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज जो 3 बार रिटेस्ट किया हुआ है और वहां से फॉल भी आया हुआ है, सो इट इज बेटर कि आप 89 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। सो कंडीशनल बाय 89 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए, जैसे 89 का लेवल क्रॉस होता है 94 तक के टारगेट आ सकते हैं। 89 के ऊपर आप बाय करते हो तो 87 का